आफ्ताब माजूर हो गया है। मैं सब लोगों के लिए बद्दुआ करती थी, सबको बद्दुआ देती थी, सारी बद्दुआएं मुझे लगती, मेरा जवान बेटा। सफर करो बहन, उन्हीं को कौन काट सकता है। मैं आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ, मैंने जिन जिन के साथ ज्यादती की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा बुरा किया। ओए मेरा जवान बच्चा, मेरी जवानी में माजूर हो गया। शकीला मैं, मुझे माफ कर, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, बहुत गलत गलत बातें सोची आपके बारे में, आपको बद्दुआ दी, मुझे माफ कर दे। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बद्दुआ नहीं सुनी उसने, मैंने सबसे माफी मांगी है, मैंने पूरे मोहल्ले से माफी मांगी, मैंने जिन जिन को बद्दुआ दी, मैंने सबसे माफी मांगी है, आप माफ कर दो। यकीना बहन मुझे माफ कर दे, मेरा बच्चा तो माजूर हो गया चलने फिरने से। ओए मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है शकीला, मैं क्या करूं, मेरी बेटी को अपने घर में आबाद रखना। बस कर दो गुलशन बहन, हमें और शर्मिंदा ना करो, तुमको एहसास हो गया यही बहुत है हमारे लिए। और जहाँ तक रही बात मुसर्रत की, तो ये मेरी बहू है, मेरे घर की रौनक, मेरे अकलौते बेटे की बीवी, ये बहुत अच्छी है, अब मजीद अच्छी हो जाएगी। मैं आगे से लेने ही आई हूँ, चलो बेटा अपना घर चलने की तैयारी। शकीला, शकीला तुम बड़ी अजीम हो, अरे तुम बड़ी अजीम हो, तुमने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद, मैंने गुनाह किया है उसके बावजूद तुमने मेरी बेटी को कबूल कर लिया। या अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना देना, मेरी औलाद को सजा ना देना। काश मैंने तुम्हारी बात सुननी होती, तुम्हें बेवकूफ न समझा होता, तुम्हारे कहने पे अम्मी को बदमाश देने से रोक लिया होता। काश मैं तो अपने लायक नहीं था, अम्मी ने सारी जिंदगी लोगों को बद्दुआ दी, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, दोस्त अजीज हो, कोई भी, अम्मी ने बस लोगों का बुरा ही चाहा, बुरा ही कहा, और आज तक वो बद्दुआ हमारे घर में वापस आ गई। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते ना, तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए।